Hey guys, it's day 3 at Hampi. So we are just crossing the road and we just saw Vittala Temple like 2-3 times, and we thought that we have to go here because we heard so many good stuffs about the Hampi Temple, and yeah, it's like a very good spot to visit. So we came here and the queue is a huge queue, and here the temperature is a bit high, and comparatively to Bangalore, it's like really hot temperature we have here. There is two options. We can go via the electric buggy, you can say. I will just show you now. And second, it is around 700 to 800 meters we have to walk and go, but like it's again very sunny, matlab bahut dhoop hai, so we are thinking to go to like a buggy, electric buggy, but the line is very thick. I'll just show you. This is the queue, guys. You can see there is one electric buggy. Hey guys, so as you already know, came to know that we came by walking. So like in between by walking, you will get so many good stuff to see. Like we just halt in this place and look at the view, guys. See. And we are clicking here, so many good things. And the scene and the view is amazing. But I highly recommend that come before sunrise, like 7-8 o'clock. Come, because it is like 11:30 and we are just struggling to go and walk. Bangalore is busy on clicking progress quick, and look at this, guys. उसके बाद 1513 में द ग्रेट कृष्णदेवराय के लिए वही सर महाविजय के इस मंदिर को पुनर्नामकरण किया विजय विट्ठल मंदिर. तो वही टाइम पे उन्होंने यहाँ पे स्टोन चैरियट को बनाया सर. नंदी को देखते हैं ऐसे, ये तो विष्णु मंदिर है, विष्णु के वाहन होते घर को इसके अंदर इंस्टॉल किया सर. ये सिर्फ वाहन मंडप था उस समय पर, लेकिन सर ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में सर चार आर्मी कमांडर्स ने वो व्हील्स को इमेजिन कर लेता था, ये रथ चल रहा है, चलने वाला रहता है. सो देखने के लिए सिंगल स्टोन जैसे दिख रहा है, लेकिन सिंगल स्टोन नहीं है सर, 24 स्टोन पीसेस है. सो वो सबको असेंबल किया है, फिर ये तो कंप्लीटली कलरफुल था, हर जगह पर वंडरफुल पेंटिंग था सर. लेकिन 500 साल से दूर तो बारिश के कारण सब देख सकते हो, टॉप कॉर्नर में बचा है सर. सॉरी टू से दिस मैम, सनग्लास रहेगा तो बराबर नहीं दिखते सनग्लास. लाइटिंग्स तो हर रोज नहीं है,
ईयरली वंस नवंबर 3rd, 4th, 5th हम्पी फेस्टिवल होते हैं, तो उस समय पर लाइटिंग्स को जलाते हैं। तो हम्पी फेस्टिवल कब होता है भैया? मैडम नवंबर 3rd, 4th, 5th गोल्ड डायमंड्स को अभी सब्जी भाजी जैसा बेच रहा था उन्होंने। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेडर्स आया, सबको ना इंटरनेशनल ट्रेडर्स उन लोगों की पिक्चर्स को देख किया है, तुम देख सकते हैं। फर्स्ट वन चाइनीज सर, इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड वन पर्शियन, थर्ड वन अरेबियन, फोर्थ वन पोर्चुगीज, लास्ट वन मंगोलियन सर। वी हैड द लंच ऑफ इज मंगोलियन। मंगोलिया भी यहां पे है? हां सर, वो सिर्फ फॉलो नहीं है सर, टर्किश भी, यूरोपियन, रशियंस, इटालियंस, वो सब भी लोग आए सर ट्रेडिंग के लिए। उन सब लोगों की पिक्चर्स को देख किया उन्होंने, मेडिकल सर फिजिकली एंड मेंटली कैसे रहते थे वैसे ही देख किया उन्होंने। चंदन की लकड़ी से इसके ऊपर बजाता था, कभी इसमें से सत्ते सराता था, कैसे सत्ते सराता था रानी वैसे सर। तुम अभी भी देख सकते हैं इंडिकेशंस बनाया है उन्होंने सर, कौन सी पत्थर में क्या इंस्ट्रूमेंट की आवाज निकलेगा सर। वहाँ पे लाल शिल्प दिखे ना, दूसरी और तीसरी पिलर के साथ, ठीक है, इस तरह आगे तेल डालता था उन्होंने, तो हर जगह रीच होकर इसमें बढ़ता था ऑयल, सो देन दे केप्ट द मिक्स में बत्ती लगाते जाता था। एक ही पत्थर की शिल्प में एक से ज्यादा जानवर की पार्ट्स होते हैं सर, उसको याली कहते हैं। मतलब रीजन है याली है तो जस्ट मिथिकल नेम है सर। याली रीजन है वन बिकेम द वॉरियर ऑफ विजयनगर आर्मी, तो कोई सैनिक बनने के लिए कोशिश करेगा ना विजयनगर आर्मी को, तो उनको ऐसा एनिमल क्वालिटीज रहना चाहिए। बताऊंगा सर, शेर का है, शेर जैसा है, इंडिकेशन शत्रुओं को डराना पड़ता था। अब आगे ना ड्रैगन की है बिहेवियर की इंडिकेशन, कान है ना सर खरगोश का है, सो ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए था। और बॉडी है ना घोड़े का सर, स्पीड की इंडिकेशन। मुंह है ना मगरमच्छी का, अटैकिंग की इंडिकेशन। और लेग्स है ना टाइगर की, जो स्टैमिना की इंडिकेशन। ऐसा क्वालिटी किस व्यक्ति में रहेगा उन्होंने वॉरियर बनने के लिए लायक है। सर यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है, हाथी हाथी दिख रहा है सर, इस तरफ से देखिए बैल दिखते बैल सबको यहाँ पे कत्ती है, पेड़ को खींच रहा है सर, पेड़ को खींच रहा है। सिर्फ इतना ही देखिए सर, गणपति जी गणपति 2-in-1 है, 2-in-1 है सर, आगे और 7-in-1 सर। फर्स्ट वन है ना सर, फ्रॉग जंप कर रहा है जैसे पैर की तरफ सर। दूसरे है सर, मदर मंकी ने बेबी मंकी को ऊपर उठा रहा है, पकड़ के ऊपर उठा रहा है सर, ऊपर ले रहा है। तो थर्ड वन है कोबरा हेड सर, सांप की फन सर। यह मैडम आइए, यही से यही तक शाम की पानी। और फोर्थ वन है देखिए, ये दोनों पैर हवा में हिल रहा, ये तो पूंछ है, बॉडी हैंड एंड हेड हनुमान जी हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा देखिए पैर, ये पूंछ, ये बजरंगबली का दूसरा पैर, ये हाथ है, ये पहाड़ टाइप सर। मैडम आपको बराबर दिखना है तो सार कड़े है ना, अभी वहाँ पे खड़ा स्नेक। और सिक्स तो इस तरफ आई है मैडम, इस तरफ सर। बड़े बंदर ने छोटे बंदर को दूध पिला रहा, मदर मंकी ने बेबी मंकी को बैठा है।
बैठा है मंकी लेग फोल्ड हुआ है मैडम क्या लग रहा है सर सो बिलो फ्रॉग एबो फ्रॉग वन हेड टू बॉडी मैडम इससे चार गुना ज्यादा आवाज इसमें निकलता है दैट टू एक पतले सो थिननेस हां अलग ही है इसमें टोटल मंदिर की घर पे मैडम ये सांग कर सकते हैं जा सकते हैं जा सकते हैं लेकिन अंदर मूर्तियाँ नहीं है अभी मैं ऐसा 123 टेम्पल्स है कोई मंदिर में मूर्ति नहीं पूजा भी नहीं सर रीज़न है 1565 में 1565 में युद्ध हुआ तालीकोट बैटल के थे तो उस समय पर यही का राजा था रामराय सो ड्यूरिंग द रामराय पीरियड साउथ इंडिया में 5 मुस्लिम एम्पायर्स थे मुस्लिम राजा लोग सो उन्होंने 1565 से पहले इंडिविजुअली बहुत बार अटैक किया हम्पी के ऊपर लेकिन उन लोगों के सक्सेस नहीं मिला तो इसलिए 1565 में सब भी मिलकर गैंग अटैक किया विजयनगर के ऊपर सो वही युद्ध में विजयनगर हार गए और राजा भी उनका जान को गए सो विजयनगर की रॉयल एम्ब्लेम है ना वराह के थे मतलब वराह मीन्स वर सो वो रॉयल एम्ब्लेम को सो वहाँ पे एंट्रेंस गोपुर है ना सो वो वॉल के ऊपर डिपिक्ट किया है सो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जाए ना सर वो रॉयल एम्ब्लेम देख कर यहाँ गलत हो जाएगा हमको सोच के छोड़ के चले जाएंगे इसलिए वो टेम्पल में पूजा है Hey guys, so we finished. I'll highly recommend that please do visit if you are coming to Hampi. It's the must visit place to Hampi. If you are coming to Hampi, then you have to come to here. And do take guide. He will be going to explain you end to end, like what is all, like, as you can see. And it was not a full thing what he explained because I'm just putting the smallest stuff which I think is required to. And yeah, just that. And if you like this video, then don't forget to give this video a big fat thumbs up. And do subscribe if you haven't done already. I'll see you on my next video. Till then, take care of yourselves. Bye bye. Love you all. I am calling places, makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about.